बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिससे आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इनफैक्ट दिस इज़ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन, और स्पेशली फॉर वुमेन, फीमेल्स aspirants and especially other segment of our society, that is financially weak persons who cannot afford to go higher paying fees academies with brand names. So this is the good opportunity, and you should join if you are serious to qualify FPSC, NTS, PPSC exams. And do refer to all your relatives, friends and other community members who know you. तो हमारा टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल हैज़र्ड्स ऑफ ड्रग फॉर जनरल पब्लिक। यानी कि इस लेक्चर में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसी जगह पे कुछ एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, जिससे आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। लेक्चर्स हमारे काफ़ी आएंगे इस पर, तो आपको ओवरऑल एक माइंड में आइडिया होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द ज़रूर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो ठीक ठाक जवान होते हैं और जो ड्रग्स हैं उसकी लत उनको पड़ चुकी होती है। वो नशा जो है किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई चर्स पीता है, कोई अफ्यूमन, कोई वो इंजेक्ट करता है मेडिसिन इस तरह की, तो वो एक ख़ास किस्म की कैफियत तारी हो जाती है। सबसे पहले तो ये आप लें कि एक फैमिली है और उस फैमिली का एक बड़ा बेटा, माँ बाप हैं उनका सबसे बड़ा बेटा और उसके छोटे बहन भाई भी हूँ। वो जो बड़ा बेटा है, किसी भी वजह से जो हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अगर वो बर्दाश्त ना कर पाए, उसको गम हो, दुख हो, तो वो क्या करता है, उस गम को भूलने के लिए कुछ भी एक्शन ले सकता है। समटाइम कुछ पीपल क्या करते हैं, गुस्सा या कोई इस तरह की कैफियत हो तो उसको कम करने के लिए पानी पी लेते हैं, कोई दुख हो तो उस जगह को छोड़ देते हैं, कुछ सो जाते हैं और कुछ नशा करना शुरू कर देते हैं। जो नशा करेगा, एक आपने जैसे मैंने आपको सिनेरियो एक फैमिली का बताया, उसमें सबसे बड़ा बेटा जो है इस तरह की एक्टिविटी में, नशे की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहले बड़ी बात कि वो नशा जब करता है तो उसको नशा जो लेने के लिए भी कोई ना कोई सोर्स तलाश करना पड़ेगा, उसके अखराजात होंगे। और जब वो इस्तेमाल करेगा तो घर में एक क्या कैफियत पैदा होगी और वो खुद किस कैफियत से गुजरेगा, अपने लिए भी उसके प्रॉब्लम है और अपने बहन भाइयों के लिए भी ज़हनी जो है वो बीमारी का एक वजह बन जाता है। जिन वालदैन का ऐसा बेटा ऐसा काम करता है उन पे क्या असर पड़ता है, वो गम से निढाल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जान छुड़ाने के लिए उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है कि उसकी फिर जो है वो पैसा चाहिए। अब अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर मुमकिन चांस है वो दोबारा उसी तरफ लौट जाए, और अगर नहीं लौटता तो उसकी सर्वाइवल जो है उसकी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट पे है। ट्रीटमेंट होती रहती है और वो चलता रहता है। लेट्स सपोज वो दोबारा उसी चीज़ में लगा रहता है तो वो वालदैन के लिए भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि घर के अखराजात भी चलाने, उसकी मेडिसिन भी चलानी और उसको भी संभालना। कभी वो कुछ नशे की हालत में कर लेता है, कभी कोई प्रॉब्लम कर लेता है और सोशल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये मामला चलता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो चीज़ें चोरी करना, चिकारी करना, जब उसके वालदैन गम से नहीं रहते तो उसके बाद वो और भी इस चीज़ में खुला हो जाता है। पहले कोई रोकने टोकने वाला होता है, बाद में वो भी कोई नहीं होता और उसके बहन भाई जो होते हैं वो भी, उन पर भी मैंटली बड़ी प्रेशर होता है, डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं, बेचैनी होती है उनके अंदर, तो उससे वो भी मुमकिन तौर पर सोसाइटी में अच्छे तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को टाइम नहीं दे पाते। ना वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होता है, ना वो उसकी वजह से अपने उसके बहन भाई होते हैं, उसके इर्द गिर्द के हमसाए
उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं, क्यों इसका क्या पता किसी वक्त भी किसी भी हालत में हो। तो क्या है कि जो इर्द गिर्द के हमसाए लोग होते हैं वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। गवर्नमेंट में भी एक ये चीज़ होती है कि मतलब कभी उनको पुलिस पकड़ रही है, कभी उनको थाने में लेके जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स और थाना जो है वहाँ का कल्चर, वहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे तो एक सोसाइटी का ऐसा हिस्सा उनको बर्दाश्त करेगा, उनके लिए भी उनको मैनेज करना प्रॉब्लम होगा। तो ये सिलसिला चलते चलते एक इंडिविजुअल से लेके एक फैमिली, फैमिली से लेके हमसाए, हमसायों से आगे बढ़ के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के लिए फिर ओवरऑल जो है ये ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता था, जिसकी वजह से जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता था, तो अब वो क्या है कि वो सोसाइटी में डिसऑर्डर की वजह बन रहा है और उसकी वजह से कई और मसाइल जन्म ले रहे हैं। सोशल जो इश्यूज़ हैं वो जन्म लेते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हैं, डाके राजनी और इस तरह के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई, इस सिनेरियो में ये क्या है, पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ ड्रग फॉर जनरल पब्लिक। तो ये ऐसे खतरात हैं जो कि पोटेंशियली हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो लेक्चर वन हम आज स्टार्ट करेंगे। अब जो ये चीज़ें हमें समझने में काफ़ी हद तक आसानी रहेगी जब हम रीड भी करेंगे, साथ में उस पर बात भी करेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग यूज़ ऑन कम्युनिटी लाइफ कैन बी प्रोफाउंड एंड ऑफन लीड्स टू अ होस्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू फैमिली, यानी कि फैमिली पे भी उसका असर होता है, ओवरऑल माशरे पे भी होता है, उसके रोज़गार पे भी होता है, क्राइम्स भी होते हैं, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्टिंग कास्ट अराइजिंग देयर ऑफ। और इसके कुछ डायरेक्ट नुकसान होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, और इसकी कीमत हर एक को पे करना पड़ती है। ड्रग यूज़ इज़ सीन एज बोथ अ प्रॉब्लम ऑफ द फैमिली, ये फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है, एंड अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली, ऑफ फैमिली फॉर द फैमिली, यानी कि एक ख़ानदान का भी मसला होता है और ख़ानदान के लिए भी मसला होता है। की इन्फॉर्मेंट्स इन दिस स्टडी वर आस्क्ड टू लिस्ट व्हाट सोशल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ड्रग यूज़ आर मोस्ट प्रिवेलेंट इन देयर कम्युनिटी। द सोशल प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड वर, जो मसाइल पेश किए गए या जिनको रिपोर्ट किया गया वर, वो कौन कौन से थे, फैमिली एंड मार्शल डिस्प्यूट्स, एक ख़ानदान का मसला, इसके अलावा उसकी शादी के मसले, यानी कि अगर अनमैरिड है तो शादी होगी कैसे, अगर हुई हुई है तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बेवा जो बीवी होगी उसका भी क्या होगा, अल्टीमेटली वो बेचारी बेवा भी होगी, ये तो पहले बीवी होती है, फिर कुछ हालात मज़ीद डाइवर्स होते हैं, वर्सन होते हैं, तो फिर वो बेवा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी लाइफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है जो ऐसे मेडिसन यूज़ करते हैं। हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को कभी रोज़गार भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं काम के लिए रखता। हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बहुत सारी ये गंदी जगह पे बैठते हैं, कैसे माशरे में वो ऐसी ऐसी क्योंकि किनारा कशी टाइप होती है इनकी, तो वो कई सारी डिजीज़ इनसे ट्रांसमिट होती है दूसरी जगह पे, और सफाई का मसला होता है एज़ वेल एज़ क्राइम एंड पुलिस करप्शन, फिर क्राइम भी होते हैं, पुलिस भी इस करप्शन में इन्वॉल्व होती है, कुछ इवन के जेल में भी जाके सप्लाई पुलिस वाले भी कर रहे होते हैं। दैट इज़ व्हेन पुलिस आस्क फॉर ब्राइब्स फ्राम ड्रग यूज़र, तो ये वो वक्त आता है जब नशा करने वाले लोगों से जो पुलिस के लोग होते हैं वो लेते हैं, पैसे लेते हैं ताकि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और उनको वो इवन के कुछ लोग जेल के अंदर जो यूज़ करने वाले हैं उनको सप्लाई किया जाता है। द यूज़र कैन अवॉइड अरेस्ट और बी रिलीज्ड फ्राम पुलिस कस्टडी विदाउट चार्ज, तो चार्ज के बगैर वो मतलब पुलिस की कस्टडी से उनको रिलीज़ कर दिया जाता है।